तो रिश्ता पक्का समझू दीनानाथ जी? हाँ हाँ शंभूनाथ जी, लो इसी खुशी के मौके पर ये मिठाई लीजिए। एक बार रजनी से तो पूछ लीजिए पिताजी। दीनानाथ जी के पुत्र प्रीतम जो जलदाय विभाग में अभी अभी बाबू के पद पर नियुक्त हुए थे, बड़ी ही सहजता से बगल में बैठे अपने पिता से कहा, अरे उससे क्या पूछना है बेटा, वो तो जहाँ मैं कहूँगा वहाँ शादी करने को तैयार हो जाएगी, और वैसे भी उसे तुमसे अच्छा और नेक सरकारी दूल्हा मिल सकता है भला? लो तुम भी मुँह मीठा करो, बहुत जल्द ही रजनी तुम्हारी धर्मपत्नी और दीनानाथ जी की घर की बहू बनेगी। शंभूनाथ जी ने पान से रंगे दांतों को दिखाते हुए टेबल पर रखी मिठाई की प्लेट प्रीतम के आगे की। तुम तो रजनी को बचपन से जानते हो ना बेटा, दीनानाथ जी ने बगल में बैठे अपने बेटे प्रीतम की ओर मुड़कर कहा, साथ खेले हो, बड़े हुए हो, एक अच्छे दोस्त भी हो, तो क्यों वो तुम्हें मना करेगी? कितने ही रिश्ते तुमने रजनी के लिए ठुकरा दिए, और आज जब शंभूनाथ जी और हमने बीती बातों को भुलाकर रिश्तेदारों के रूप में खुद को स्वीकारने का फैसला किया है, तो तुम्हें रजनी की और रजनी को तुम्हारी रजामंदी जानने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से दो पुराने दोस्त आज फिर एक हो रहे हैं। पर पिताजी, चुप रहो एकदम, तुम समझ में नहीं आता तुम्हारा, अरे चाहते क्या हो तुम, मुझे ठीक ठीक बताओ तुम्हें रजनी से शादी करनी है या नहीं? दीनानाथ जी की आंखें लाल और तेवर पीले हो गए। करनी है पिताजी, पर बिना रजनी की रजामंदी के नहीं, प्रीतम ने नजरें झुकाते हुए कहा। तुम्हें करनी है या नहीं ये बताओ बस, दीनानाथ जी ने उंगली तानी। पिताजी एक बार रजनी, अरे क्या रजनी रजनी लगा रखा है, शंभूनाथ जी ने बीच में रखी टेबल पर जोर से लात मारी। मेरी बेटी है, जहां कहूंगा वहां ब्याह जाएगी, तुम अपनी बताओ बस। जैसा बाप वैसा बेटा, शंभूनाथ जी धीरे धीरे बड़बड़ाए। क्या कहा तूने? अरे मेरा शुक्र मान के तेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया अपने बेटे के लिए, वरना तो पूरे मोहल्ले को पता है नौकरी के नाम पे किसके साथ जाती और आती है, ना दिन का पता है ना रात का, ना जाने क्या करने जाती है और क्या करके आती है। मुझसे मत बोल मेरा बेटा कैसा है, सब जानते हुए भी तेरी बेटी से शादी करना चाहता है, बस कोई जोर जबरदस्ती ना हो इसलिए उसकी इच्छा पूछ रहा है, पता चले कल को कहीं भाग गई तो। दीनानाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान था। ओए शंभू जवान संभाल के, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, रजनी गंगा की तरह पवित्र है, तू उसकी इच्छा जानना चाहता है ना? प्रीतम की ओर गुस्से से देखकर, तो सुन वो किसी गैर जात को चाहती है, पर मुझे मंजूर नहीं था, तेरा सुना तो सोचा बाप की तरह पागल तो है लेकिन कम से कम अपनी जात का तो है, पर तू तो अपने बाप से भी एक कदम आगे, एकदम जिद्दी और घमंडी, अच्छा हुआ जो रजनी तेरे घर नहीं गई, नहीं तो ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होता। शंभूनाथ जी ने सुबह का अखबार टेबल से उठाकर टेबल पर फिर फेंकते हुए कहा, हाँ हाँ तो जा कर लेना अपनी बेटी की शादी, अब मैं भी देखता हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी, पूरे मोहल्ले में बदनाम ना कर दूं तेरी बेटी को तो मेरा नाम भी दीनानाथ नहीं, चल बेटा। प्रीतम को जोर से धक्का देते हुए दीनानाथ जी कुर्सी से उठ खड़े। अरे जा तू क्या बदनाम करेगा दोनानाथ, अब तो मुझे उसकी पसंद से क्यों ना बहाना पड़े, पर तेरे घर तो कभी नहीं आएगी रजनी। शंभूनाथ जी गुस्से से लाल पीले होकर सामने टेबल पर लात मार घर के अंदर चले गए, और इधर दीनानाथ जी भी फुनफुनाते हुए पैरों को पटक घर के बाहर आ गए। प्रीतम भी अपने पिता के साथ कदम मिलाते हुए घर के बाहर आ गया और मुड़कर दूसरी मंजिल पर बने कमरे की एक छोटी सी खिड़की की ओर देखने लगा जहां रजनी खड़ी थी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को सहज भाव से देखा और फिर एक मुस्कान के साथ प्रीतम अपने पिता के साथ अपने घर की ओर चला गया। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी प्रीतम के नाम की आई, जिसे दफ्तर की चिट्ठी समझ प्रीतम की मां ने प्रीतम के कमरे में रख दिया। शाम को घर पहुंच प्रीतम ने चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, शुक्रिया प्रीतम, नीचे लिखा था रजनी, और चिट्ठी को मोड़ के प्रीतम ने सिरहाने रखे एक बक्से में बंद कर दिया जिसमें पहले से ही कई सारी चीजें रखी थी, शायद वो रजनी के साथ बिताए बचपन की यादें थी।